नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज़ लाइव। मैं अभी झारखंड के राजधानी रांची में हूं और रांची का आप पीछे म्यूजियम देख पा रहे होंगे, संग्रहालय। आइए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर ढंग से सजाया गया है, कितने सुंदर ढंग से रखा गया है और हर एक चीज़ को बारीकी से बताया गया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पेड़ काटता हुआ जनजातीय पुरुष एवं उसे रोकने के दृश्य में जनजातीय महिला, मतलब ये पुरुष पेड़ काट रहे हैं तो वहीं ये महिला इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। बाकी मैं आपको आगे भी दिखाने का प्रयास करूँगा और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कितना सुंदर दिख रहा है ये म्यूजियम। ये म्यूजियम रांची का है, रांची का म्यूजियम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको भूमिज, यहाँ भूमिज जाति है, अलग अलग प्रजाति में बटी हुई जातियाँ हैं। यहाँ ये भूमिज जाति का आपको यहाँ पे डमी देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पे आपको बिहार जनजाति परिवार झारखंड, ये आपको झारखंड का जो आपको जनजाति परिवार है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ लार लिए हुए महिलाएं, कुछ किसान आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे कंवर जाति, ये आपको कंवर जाति हो गया। यहाँ आप देख रहे थे भूमिज जाति और यहाँ है वृक्ष के मॉडल पर नृत्य मुद्रा में महिला आकृति, मतलब वृक्ष में ही बना दिया। कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि ये कितने सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये मॉडल जो है वृक्ष से बना हुआ है, वृक्ष से चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे ये महिलाएँ बनी हुई है, महिलाओं का ये बाल है और इसी तरह से चारों साइड से एक दो तीन महिलाएँ आप देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पे नेगेशिया मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा, बाकी कैमरामैन आपको जूम करके इस फोटो फ्रेम पे आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है नेगेशिया जनजाति को किसान जनजाति भी कहा जाता है, ये द्रविड़ प्रजाति के हैं, इनकी भाषा सदानी है, धार्मिक रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं, प्रकृतिवाद इनका धर्म है। वर्तमान में मुख्यतः इनका निवास पलामू तथा रांची जिले में है, ये रांची है और रांची में इनका, यहाँ आप आभूषण उनके देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे ये आभूषण है। जरा इस आभूषण पे आप गौर फरमाएं, ये आभूषण पहले पहना जाता था, ये नेगेशिया का जो मैं आपको अभी वर्णन बता रहा था आपको, ये सारी चीज़ें आपको दिख पा रही होंगी। ये अभी रांची म्यूजियम का है, ये नगाड़ा है, पहले आप देखते होंगे पहले बड़ा बड़ा नगाड़ा पीट पीट कर बताया जाता था, बाबुलाइजा होशियार राजा आ रहे हैं तो यही नगारा बजता था। बाकी आपको यहाँ पे महात्मा बुद्ध की तस्वीर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ ढेर सारी ऐसी चीज़ें लगी। ये नगारा था, यहाँ भौर, इसमें भी शायद यहाँ से बोला जाता था, ये बहुत दूर तक आवाज़ करता है। यहाँ असुर की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है असुर जनजाति झारखंड प्रदेश की मूल जनजाति है, इनकी भाषा असुरी है, ये आपको उसका तस्वीर दिख रहा होगा। ये तो खैर वो आप डमी तस्वीर था, ये रियल तस्वीर आपको दिख पा रहा होगा। ये भी भेड़ है, माल पहाड़ियाँ, ये माल पहाड़ियाँ का कुछ तस्वीर है और ये सबसे बड़ी बात यही धनुष आपको अगर मैं उठा के दिखाऊं, ये धनुष है, ये धनुष और ये तीर कमान जो रखे हुए हैं इसी तीर धनुष से ये जनजाति जो आपको मैं अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये अपने बचाव के लिए इसी का प्रयोग करते थे, शायद अभी भी करते हैं। बाकी अभी तो बहुत सारा चेंजेज आ गया है। ये आपको लकड़ी उसी के समय का, ये लकड़ी जो आप देख पा रहे होंगे कितना पुराना लकड़ी है, ये बथुरी, यहाँ शायद लिखा हो ये शहादत की डाल, यहाँ एक बार जूम कीजिएगा आप, ये शहादत की डाल, यह कदम की डाल झारखंड के एक अत्यंत ही ऐतिहासिक घटना की साक्षी रही है। ये उस समय का है, 1858 के दिन लटका कर फांसी दी गई थी। ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को इसी पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी, जिस लकड़ी को अभी तक बड़े सावधानी से बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा आप देख पा रहे होंगे, इनके बारे में भी आप जानते होंगे, बाकी मैं आपको डिटेल भी दिखाऊँगा। बाकी आप यहाँ सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे बिरसा मुंडा से रिलेटेड, यहाँ की जनजाति, झारखंड में किस किस प्रकार के लोग रहते थे, सारी चीज़ें, सारी प्रजातियाँ, सारी जातियों को यहाँ अच्छे से
वर्णन किया गया है। बाकी यहाँ पे शहीद सिद्धू हैं, यहाँ पे बथुड़ी जनजाति जो यहाँ पे कहा जाता था कि इन लोगों का काम था खरीद बिक्री करना, ये खरीदते भी थे और बेचते भी थे धान गेहूँ, यहाँ पे धान रखा हुआ है ये बेचते थे, ये बच्चा हो गया ये किसान, पूरी आप प्रजाति को देख पा रहे होंगे। यहाँ सरना पूजा करते हुए, इन लोगों का एक फेमस पूजा हुआ करता था सरना पूजा करते हुए जनजातीय परिवार, ये सरना पूजा कर रहे हैं, ये पूजा पाठ इन लोगों का धार्मिक चीज है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे असुर जनजाति परिवार रांची, ये असुर जनजाति से है, असुर कहा जाता था जो मारपीट करते थे शायद उसको असुर कहा जाता था, बाकी मैं कहीं गलत होऊंगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सही करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं मुंडा जनजाति परिवार, ये मुंडा बिरसा मुंडा की जनजाति है, परिवार है, यहाँ आप उनको देख पा रहे होंगे, ये असुर जनजाति है जो मैंने आपको अभी वहाँ दिखाया। बाकी यहाँ पे पाहन पूजा करते हुए कौरव जनजाति, ये पूजा कर रहे हैं, ये कौरव जनजाति के पूजा करते हुए कौरव जनजाति, जैसे हम लोगों के यहाँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ रस्सी बनाते हुए बिरहोर परिवार, मतलब कि पूरे एक गांव जैसे बसता है ना, मतलब एक गांव को, एक समाज को, एक दुनिया को बसाने के लिए हर एक जनजाति की ज़रूरत होती है, तो इस झारखंड को बसाने में जो जिस जनजाति का अहम भूमिका रहा है यहाँ आपको वो सारी चीज़ें दिख पा रही होगी। यहाँ पे हो जनजाति यहाँ भी खरीद बिक्री करते हुए, बाकी उनका लाठी शायद मुझे लग रहा है कि उसी समय का ये लाठी रहा होगा, आपको कैमरामैन दिखा पा रहे होंगे, ये रस्सी उसी समय का रस्सी है, और ये जो आप पूरी चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पत्ता, ये पत्ता पहन के पहले जो वहाँ देख पा रहे होंगे पत्ता से कितना सुंदर ये लोग बनाया गया है मुकुट, ये टोपी बनाया गया है, इसी पत्ता से बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। बाकी आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे सौरिया पहाड़िया करुआ खेती करते हुए, मतलब कि खेती होता था ये, इनको शायद बिहार में हम लोग खल उखल बोलते हैं ना, खल मुसल उसमें कूटा जाता था। बाकी यहाँ पे और भी इसी तरह की प्रजाति को आप देख पा रहे होंगे। बाकी हमारे साथ में यहाँ के रखवाले हैं, तो सर से भी मैं कुछ जानना चाहूँगा, सर कब खुलता है कब बंद होता है सर? ये 10:30 बजे 4:30 बजे बंद होता है। 4:30 बजे बंद हो जाता है। यहाँ कितने लोग रेगुलर आते हैं सर? 250-300 लोग रेगुलर जाते हैं, है ना? और यहाँ की क्या खासियत है सर? क्या चीज खासियत अगर कहें तो कुछ, मतलब यही देखने के लिए आते हैं, बस यही देखने, मतलब म्यूजियम देखने के लिए, मतलब ये म्यूजियम का यही एक बेस्ट पार्ट है। इस म्यूजियम का रांची में अगर आप आए तो इसे देखने जरूर आए, यहाँ आपको अपने यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू हो जाएंगे, उसे आप देख पाएंगे। बाकी आप देख रहे थे रांची का म्यूजियम, मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM News Live। धन्यवाद।